बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय और विलेन की भूमिका निभाकर लाखों लोगों के दिल पर राज करने वाले आशीष विद्यार्थी ने अपने से करीबन 30 साल उम्र छोटी लड़की से शादी कर चर्चा में आ गए हैं। जी हां, बता दूं कि जो आशीष विद्यार्थी जो एक जमाने में बहुत बड़े विलेन का भूमिका निभाते थे, बहुत बड़े एक्टर थे, अभी भी आते हैं लेकिन बहुत कम फिल्मों में आते हैं, उन्होंने अपने से करीबन मतलब तकरीबन 30 साल की छोटी लड़की से शादी किया है जिसके बाद वे चर्चा में हैं। आपको बता दूं आशीष विद्यार्थी की उम्र अभी लगभग 60 साल के हैं, उनकी पहले से शादी हो चुकी है, एक बच्चे भी हैं, हालांकि उनके और उनके पत्नी के बीच में पहले से तलाक हो चुका है और काफी दिनों से दोनों अलग रह रहे हैं। वहीं कल मतलब कि 25 मई को आशीष विद्यार्थी ने गुवाहाटी की रहने वाली एक फैशन डिजाइनर है, फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, उनकी उम्र लगभग 30 साल है, रूपाली बरुआ, जिसके साथ मतलब इन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया, शादी कर लिया। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि एक दो दिन में वे मतलब कि गेट टुगेदर रखेंगे और इस शादी में बहुत कम लोग आए थे। और एक और चीज मैं बता दूं कि जो इनकी पत्नी है, नई नई जो शादी हुई है, रूपाली बरुआ, इनसे लगभग इनकी उम्र में लगभग आधी उम्र की है और वे गुवाहाटी की रहने वाली है, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और फैशन स्टोर चलाती है। और बता दूं वहीं आशीष विद्यार्थी हालांकि आजकल काफी कम फिल्मों में मतलब आ रहे हैं, लेकिन हाँ फूड के बहुत शौकीन है और फूड ब्लॉगिंग करते हैं। मतलब आजकल आप अगर फेसबुक यूट्यूब चलाते होंगे तो बहुत सारे वीडियो उनका आपको दिख जाता होगा, क्योंकि आजकल वो ब्लॉगिंग मतलब करने लगे हैं, कम फिल्मों में आ रहे हैं। लास्ट टाइम में अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म में आए थे, क्योंकि 10 से 11 भाषाओं में लगभग 300 के करीब इन्होंने फिल्मों में काम किया है, जिसमें से बता दूं बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा फिल्में हैं जैसे जीत हो गया, आपका सोल्जर हो गया, जानवर हो गया, इन सब फिल्मों में मतलब बहुत जबरदस्त भूमिका निभाकर लाखों लोगों के मतलब चहेते बन चुके थे। बता दूं कि सोल्जर फिल्म एक आई थी बॉबी देओल की, जो कि काफी हिट हुई थी, काफी पॉपुलर हुई थी, इस फिल्म में इन्होंने जबरदस्त तरीके से जो विलेन का भूमिका किया था, जिसके लिए मतलब हर बच्चा इनका फैन हो चुका था। और बता दूं कि मतलब इन्हें एक बार नेशनल अवार्ड के मतलब भी मिल चुका है बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए।